Samuel Lipset's theory of social class in this session we are going to discuss Lipset's theory of social class because American sociologists and political scientists as well Lipset uh, who is influential political men and the social basis of politics they are very important sources ऑफ़ नोट ओनली द इंफॉर्मेशन बट एज़ वेल एज दे आर कंसिडर्ड एज द क्लासिकल रीडिंग्स फार द स्टूडेंट ऑफ पोलिटिकल सोशोलॉजी खास तौर पर जो लिपस्ट की तहरीरें हैं जिसमें उनकी किताब जो दोशल बेस ऑफ पॉलिटिक्स को अगर हम बुनियाद बनाएं तो इसके अंदर जिस तरीके से उन्होंने डेटा को क्लैक्ट किया और इंसानों के ख्याल उनकी तरजीहत की बुनियाद पर उन्होंने पॉलिटिकल बिहेवियर को एवेल करने के लिए एक ऐसा प्रोसीजर डिज़ाइन कर दिया कि जिससे ये समझने में आसानी हो कि कहीं भी किसी भी जगह पर रहने वाले लोग जो हैं उनका सियासी रवैया किन बुनियादों पर डिटर्मन होता है यानी वो कौन से अवामल हैं जो इम्पॉटेंट रोल प्ले करते हैं इंसानी रवैयों की तश्ील के अंदर क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंसानों की लाइकिंग डिसलाइकिंग, उसके एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस, उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं बहुत सारे ऐसे डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो इंसानों के सियासी रवैये की तश्ील पाते हैं जिसकी वजह से उनका रवैया तश्कील पाता है तो की जो तहरीरें हैं उनके अंदर ख़ास तौर पर एक कंपैरेटिव एनालिसिस डिजाइन किया उन्होंने जिसकी वजह से लोगों के पॉलिटिकल रवैये को समझने में आसानी हो ताकि खास तौर पर जो सोशल क्लास कोई भी सोशल क्लास जो है उसका रवैया सियासी रवैया किस तरह से तश्कील पाता है उसको समझने में आसानी की खातिर लिपसेट ने अपनी तहरीर जो है वो लिखी है लिपसेट आ, खा, ने खास तौर पर जो इलेक्शंस के बारे में आ, जो पहले मार्क्सिस्ट व्यूज़ थे कि किस तरीके से जो डेमोक्रेट्स होते हैं डेमोक्रेटिक क्लासेस जो होती हैं वो इलेक्शंस को किस नुकता नज़र से देखती हैं वो लोगों को वोट अब कैंडिडेट को किस बुनियाद पर देती हैं इन सारे सवालों के जवाब जो हैं वो हमें लिपसेट की तहरीरों के अंदर मिलते हैं तो इन द लेट नाइनटीन सिक्सटीज़ अंडर द इनफ्लुंस ऑफ लिपसेट एंड अदर पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट एक बहुत इम्पोटेंट अप्रोच डेवलप हुई पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के अंदर और ये जो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी की जब डेवलपमेंट हुई है तो उसमें ख़ास तौर पर इस तनाज़ुर में एक बहस का आगाज़ हुआ कि क्या महज़ एक बयानिया तरीका एक डिस्क्रिप्टिव मेथड इनफ़ होता है इस बात का जायज़ा लेने के लिए कि लोगों के रवैये किस तरह तश्कील पाते हैं ख़ास तौर पर वो रवैये जिनका ताल्लुक़ सियासत से होता है और सियासी रवैयों से होता है यानी अगर कोई मिडिल क्लास या अगर कोई अपर क्लास से ताल्लुक़ रखता है या माशरे के अंदर जो मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं रहते हैं उनके रवैयों की बुनियाद या बेस क्या हो सकती है तो लिपसेट ने अपनी तहरीरों के ज़रिए यह कहा कि महज बयानिया तरीका महज डिस्क्रिप्टिव मेथड जो है दैट इज़ नॉट इनफ एक्चुअली इट मे बी द हिस्टोरिकल एंड द कंपैरेटिव मेथड, व्हिच विल हेल्प आउट टू अंडरस्टैंड द वेरियस पॉलिटिकल सिस्टम्स एज वेल एज द प्रोसीजर्स ऑफ नेशन बिल्डिंग कि कोई भी सियासी निज़ाम लोगों को एक कौम बनाने में कैसे हेल्प करता है और वो कौन सा प्रोसीजर होता है कौन से डिटरमिनेंट्स होते हैं किन फैक्टर्स की बुनियाद पर लोग जो हैं वो एक कौम की शक्ल इख्तियार करते हैं चुनाचे ये सारी वो बहस थी जो आ, लिपसेट से पहले हमें इतने वाजे तरीके से नहीं मिलती थी तो लिपसेट की तहरीरों ने बहुत सारे ऐसे सवालात के जवाब देने की कोशिश की जो पूरी दुनिया के अंदर जो एग्जिस्टिंग सोसाइटीज़ थी और सोसाइटी और स्टेट के माबे जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप था उसके ऊपर लिपसेट की तहरीरों में हमें मौ मौजूद भी मिलते हैं और उन मौजुआत के हमें जवाब भी बड़ी तफसील से मिल जाते हैं सो बाई एनालाइजिंग द रोल ऑफ पोलिटिकल इंस्टीट्यूशनस इन सोशल डिवेलपमेंट And revolution, this branch of political sociology has contributed to the comparative analysis of welfare system and to the studies of the relationship between democracy and industrialization. So we can say that uh, in the writings of Lipset, Mozu Jisko would debate the national identity key. यानी किसी भी कॉम की जो पहचान होती है वो किन पैरामीटर्स पर हो सकती है और एक एवोल्यूशन के ज़रिए एक माशरे में रहने वाले लोग जो मुख्तलिफ़ एक्सपीरियंसिस से गुज़रते हैं जैसे वो एक्सपीरियंस जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस हो सकता है यानी जब माशरे जो हैं वो तरक्की के लिए कई रास्ते इख्तियार करते हैं किसी माशरे के अंदर कोई रेवोल्यूशन आता है यानी चेंजेस का अमल तो हर माशरे में जारी रहता है वो एवोल्यूशनरी चेंजेस भी हो सकती हैं वो रेवोल्यूशनरी चेंजेस भी हो सकती हैं उनके पीछे इंडस्ट्रियलाइजेशन का फैक्टर हो सकता है उनके पीछे कोई फिक्री अमल हो सकता है कोई नज़रियाती तहरीक हो सकती है लेकिन इन सब अवामल के मिलने से जब किसी माशरे के अंदर उसमें रहने वाले लोगों के अंदर एक नेशनल आइडेंटिटी की सिचुएशन क्रिएट होती है तो ये मौजू इंतहाई अहम है जिसका तल्लक वक्त पॉलिटिकल साइंस के साथ भी है और सोशियोलॉजी के साथ भी है तो लिपसेट ने एज़ पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट इन सारे मौजुआत पर अपनी तहरीरों के जरिए बहुत ही ज़्यादा क्लासिकल अंदाज में इनको रिस्पॉन्स भी किया और इन सवालों के जवाब देने की कोशिश की है